इतना याद रख कि तू अपनी ला 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 पाकर बीवी के लिए जूस लेने जा रहा था किचन में। ओ, ला के लिए जूस लाना है। लल्ला लल्ला। वाह साचनी, तुम तो सच में भगवान हो। आज बोल दिया, आगे से मत बोलना, क्योंकि मैं भगवान नहीं, शैतानों की शैतान हूं मैं। इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शैतान हूं मैं, समझा? अब सुन, सनी को जो मार के जिंदा किया है ना, वो सिर्फ अगले 24 घंटों तक ही जिंदा रहेगा। तो फिर हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा ना। इन्हीं 24 घंटों में उसे यहाँ से कहीं दूर भेजना पड़ेगा, ताकि किसी को शक ना हो कि वो सनी जो सबको जिंदा दिख रहा है वो जिंदा नहीं, मर चुका है। तो उसे जहाँ भेजना है जैसे भेजना है जल्दी भेजो। हाँ वो भी, और इन दो जादुई कयामत को भी तो देखना है। अरे इसी घर में है वो दोनों, चाहे जितना ही हाथ पैर मार ले अब मेरी पकड़ से नहीं छूटने वाली, क्योंकि अब काल विजय रत्न मेरी पकड़ में आ चुका है। मैं नहीं जानती प्रीतो वहां पर क्या कर रही थी, वो वहां पर कैसे पहुंची, कोई तो जादू होगा। दीदी प्रीतो ही वो एक आग वाली औरत है, तू मानती क्यों नहीं? मैं नहीं मानती आपकी बात, क्यों मानूं आपकी बात? क्यों नहीं मानेगी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं तो झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैंने भी देखा था, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, महिमा के गले में वो पेंडेंट देखा था मैंने, मैंने उसको लाश घसीटते हुए कारपेट से ले जाते हुए देखा था, वो रिंग देखा था गिरते हुए, मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। ओके फाइन, फॉरगेट फॉरगेट कि मैंने ये सब देखा था और आपको कन्विंस करने की कोशिश की, आपने भी देखा था ना, डिडंट यू सी इट? आपने भी देखा था ना, मैं भी इसी तरह से आपके साथ रोए गिर गिर आई। दीदी मेरा विश्वास करो, मेरा भरोसा करो, आपने मुझे विश्वास किया? नहीं किया ना। तो तू बदला ले रही है मुझसे, मैंने तेरी बात पे विश्वास नहीं किया तो तू मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही है? दीदी ये कोई छोटी मोटी बात, कोई खिलौना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बात सच है। तू जानती है तेरी सच्चाई और मेरी सच्चाई में फर्क क्या है? तूने कहा था तूने वो पेंडेंट देखा है, वो पेंडेंट तो किसी को पहनाया भी जा सकता है, वो कार्पेट में लाश छुपाई जा सकती है। तूने जब जब महिमा मैम के बारे में बताया मैंने तुझसे एक ही सवाल पूछा कि क्या तूने उनकी वो एक आंख देखी? नहीं ना, पर मैंने मैंने प्रीतो को देखा, उसकी वो एक आंख देखी, उसे उड़ता हुआ देखा, और तो मैंने उसका वो चेहरा देखा जो हमने तब देखा था जब उसने हमारी मम्मा को मारा था। दीदी देख दीदी, वो एक आंख हमारा सबसे बड़ा सबूत, उसका कातिल का पहचान है जिसने हमारी मम्मी पापा को मारा था। दीदी प्लीज मेरी बात पे भरोसा कर, इन शॉर्ट दीदी मैंने हमारी मम्मी पापा के कातिल को देखा है। ओके देख दीदी, ये ना बच्चों की तरह झगड़ने का वक्त नहीं है, प्लीज मेरी बात पे यकीन कर, वो एक आंख वाली औरत प्रीतो ही है। ओके अब सही है, मैं मानती हूँ आपकी बात, आपने जो देखा सही देखा क्या? अब हमें उसे फंसाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई जाल बुनना होगा, किसी भी तरह उस प्रीतो की असलियत पूरे परिवार के सामने लानी होगी। दीदी अब तो उसने मेरा चेहरा भी देख लिया, वो तुझे जानती है, तेरी सच्चाई तेरी शक्तियों के बारे में जानती है, और वो जानती है कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है, वो जानती है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। पर दीदी वो बहुत ताकतवर है, हम कुछ सॉलिड प्लान बनाते हैं, पर ये काम इतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होगा। देवी कोई मुश्किल नहीं होगा दी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, उसको उसके घुटने पे लाने के लिए और हमेशा के लिए हराने के लिए। आज तक हमेशा वो जीतती आई है ना, इस बार उसकी हार पक्की है। रक्षित मुझे जेन्युइनली लगने लगा है कि तेरी बीवी में कुछ प्रॉब्लम है, पहले से मैंने उस पर इतना विश्वास किया, फिर धोखे से उसने तुझसे शादी कर ली, और अब जब मैं उसे धीरे धीरे अपनाने लगी तो आज उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, आज बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात हुई है, उसे हो क्या गया है? मॉम नहीं रक्षित, प्रीतो जी पर इतना बड़ा इल्जाम, वो भी खून का, वो हमारी मेहमान है, सोचो उन पर क्या बीत रही होगी जब तेरी बीवी ने कहा कि उन्होंने सनी का खून किया है। नहीं रक्षित, अब मुझे लग रहा है तुझे उसे, मॉम वो मेरी बीवी है। तुझे क्या लगा मैं तुझसे कहूंगी उसे छोड़ दे? जो मैंने बोला नहीं तूने सोच लिया, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि तू उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा, उसका इलाज कर, उसे मदद की जरूरत है बस। मॉम पर अगर वो जो बोल रही है वो सब ठीक हुआ तो क्या? मॉम आप पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। ओह माय गॉड रक्षित, मुझे पता है
तो उसे चाहने लगा है, तो इस बात को मान या ना मान, ये सच है। लेकिन जो गलत है तो उसका साथ क्यों दे रहा है? वो क्या कह रही थी, वो एक आंख वाली औरत, उसका काला आंख, उसमें वो लाल रोशनी, ये क्या बकवास है रक्षित? ओम, एक बात है जो मैंने आपसे कभी नहीं बताई, बरसों पुरानी बात है। बस रक्षित, अगर तू ये कहना चाह रहा है कि तेरे पापा की वजह से तेरे रिश्ते को और शादी को देखने का नजरिया बदल गया है, तो मैं ये बात बदल गया है मॉम, पता नहीं क्यों पर बदल गया है। पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो इस बारे में नहीं है, जब पापा हमें छोड़कर गए उससे एक दिन पहले की बात है। कहना क्या चाहता है? मैंने पापा के साथ एक औरत को देखा था मॉम, और आज रात मिसेस शेरगिल ने उस एक आंख वाली औरत का जो हुलिया बताया वो हूबहू उस औरत से मिलता है जिसे मैंने पापा के साथ देखा था, और उसके बाद पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। इतनी बड़ी बात उन्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताने की कोई वजह ही नहीं मिली मॉम, पर हाँ उस रात के बाद हमेशा यही लगा कि वो औरत ही थी जिसकी वजह से हमारे पापा हमसे दूर चले गए। तेरे कहने का मतलब है वो औरत? मॉम, ये प्रीतो मासी आपको कुछ अजीब नहीं लगती? मतलब वो है कौन? आज से पहले ना हम कभी उन्हें मिले हैं, ना जानते हैं, ना कभी देखा है। तो तेरा मतलब है वो औरत वो जानती है तेरे पापा कहाँ है? पहले तो मैं मिसेस शेरगिल से बात करूंगा, पता लगाऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पर मॉम प्लीज, आप पहले से ही कोई आस नहीं लगाएंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी क्या, अभी जाओ और अपनी ओजस माता को बोल कि तू जा रहा है, तुझे यूएस में कोई बहुत बड़ी डील शील क्रैक करनी है, इसलिए तुझे आज रात को ही जाना पड़ेगा। अपनी माँ को बोल गाड़ी निकाल और फिर निकल ले, बाकी मुझ पे छोड़ दे, समझ गया? तो फिर जा, पैकिंग कर। ओके प्रीतु मासी, मैं यूएस जा रहा हूँ, बाय। पता है, पता है, तेरे तो उड़ने का टाइम हो गया ना। उड़ने का नहीं, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया मासी। बाय। Are you sure ये प्लान वर्क करेगा? दी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इतने सारे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं, मुझे लगता है अब यही हमारे सारे सवालों के जवाब देगा। पर दी, हम तो ये सब दिन में भी कर सकते थे, अभी रात को क्यों कर रहे हैं? दीवी, याद है मामा ने पूरन मासी की रात के लिए क्या कहा था? होनी अनहोनी जो भी होनी, पूरे चांद की आधी रात में होनी, जो खो गए हैं वो मिल जाएंगे, इसी चांदी रात को मिलेंगे। आज पुरनवासी की रात है दिव्य, जिस दिन मुझे मेरी दी मिली थी। दरवाजा बंद करके आती हूँ। हाँ जा। क्यों आए, तुमको किसने बुलाया? हाँ? दी, क्या जब भी हम लोग अकेले होते हैं ये सुनते सुनते पीछे पीछे आ जाता है, इसको क्यों बुलाया आपने? दी, इसको समझा ले। दिव्य, तू प्लीज रोमी पे शक करना बंद करेगी, वो हमारी हेल्प ही तो कर रहा है ना, और भूल मत रोमी ने ही हमें ये रहस्य तारा लाके दिया है। समझ आई? फाइन। रोमी तू इधर आ। इसको समझाना दी। कॉन्सेंट्रेट तारा। आज तो इसमें से बहुत रोशनी निकल रही है, पहले तो इतनी कभी नहीं आई। हाँ, शायद इस बार तुमने ना इसको पूरे फोकस के साथ किया होगा, इसको प्रॉपर्ली पकड़ा होगा, तभी इसकी शक्तियाँ जाग गई हैं और इसमें रोशनी ज्यादा आ रही है। पता है, तू ये बता कि ऐसा क्या करे कि ये रोशनी कोई और ना देखे, क्योंकि आपने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया रोमी जी, और अगर खिड़कियाँ बंद भी कर दी, ये रोशनी इतनी तेज है, दरवाजे के नीचे से तो रोशनी जानी है। हम ये
रोशनी घर वालों से कैसे छिपाएंगे? तुम ये बार बार स्लीव्स के ऊपर करते रहते हो।